चुनहर गिरजा मंदिर जाने वाले मार्ग पर जल जमाव से ग्रामीण परेशान। पानी निकासी की मांग। हरलाखी मधुबनी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर गांव स्थित ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल गिरजा मंदिर जाने वाले मार्ग पर जल जमाव से ग्रामीण परेशान है। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों ने विभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गिरजा मंदिर जाने वाली मार्ग पर हल्की बारिश में भी जल जमाव की समस्या हो जाती है। इस रास्ते से भारत व नेपाल के दूर दराज के श्रद्धालु लोग पूजा पाठ करने मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने वाले रास्ते में हमेशा जल जमाव रहता है। दरअसल NH-227 से नीचे सड़क होने के कारण जल निकासी की सुविधा नहीं है, लेकिन जल जमाव की जगह पर अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा छाई गिरा दिया जाता तो तत्काल जल जमाव से निजात मिल सकती है। दरअसल मंदिर के रास्ते में जल जमाव होने के कारण आए दिन बाइक सवार व पैदल राहगीर गिरकर जख्मी हो जाते हैं। बाइक पर बच्चे व महिलाओं के साथ दर्शन करने आने वाले दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसके बावजूद भी समस्याओं को दूर करने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहल करते हैं और ना ही संबंधित पदाधिकारी। इसे लोगों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया पति रंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि यहाँ जल जमाव की समस्या है, वह PM सड़क है। संबंधित पदाधिकारी से बातचीत कर समस्या को दूर करने की पहल की जाएगी। नहीं भी होता आने जाने में परेशानी से देखते हैं, परेशानी नहीं होता है। परेशानी होता है, जल जमाव हर जगह रोड गाँव में है, गड्ढा यहाँ है, गड्ढा दक्षिण बाई टोल में जाए नहीं, इतना का गड्ढा पूरा रोड टूटा हुआ है। पूरा रोड टूटा हुआ इतना भट होना पानी बहता है। अच्छा, आप जब भी पानी में रास्ते से अगर सूखा रहता तो पानी नहीं लगा रहता, पूरा रास्ता क्लियर नहीं क्लियर रहता है, बराबर यहाँ टूटा फूटा रहता है, यहाँ बराबर ही रास्ता खराब ही रहता है। तो इसकी समस्या के निदान क्या चीज हो सकती है? समस्या का निदान जो प्रशासन जो यहाँ विभाग जो है पथ अभियंता जो है बिहार आता है, जो काम करने वाला आता है थोड़ा चटा देता है, अपना बिल बना दिया, पॉकेट में पैसा डाला हो गया। अच्छा, रास्ते पे तो जल जमा हो बहुत सारा परेशानी होता है। इतना परेशानी होता है इतना कितना आदमी गिरता है, कितना गिरता है, इसमें गिर जाता है, गाड़ी फंस जाता है, गाड़ी बैक हो जाता है, बहुत सारा परेशानी है, परेशानी है। कहाँ से जाए तो मनहरपुर होते हुए सुनई से एक रास्ता कट जाएगा जो चला जाएगा सिमली नोमा पैपुरा होते हुए मेन रोड दुर्गा स्थान वाली रोड में एक रास्ता सोने से कट जाएगा तो चला जाएगा सिमली, वहाँ से दो रास्ता सोने से दो रास्ता हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? हमारा नाम राम रोशन साहब हुआ। ये लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, लोग आते जाते वक्त गिर जाते हैं, उसकी हड्डियाँ टूट जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, उसके उपचार के बहुत सारी कठिनाइयाँ होने लगती है। अच्छा, ये रास्ता जो है यहाँ पर बराबर जल जमाव की समस्या रहती है, क्या लग रहा है आपको? इसका मुखिया मेन रूप से ठीक से निगाह नहीं रखते हैं, यही मुख्य कारण होगा। क्या हो, इसका परिचय क्या हुआ? देवेंद्र यादव। अरे द वॉइस ऑफ मधुबनी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम जिले के तमाम खबरों से आपको अपडेट रखें।